हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी कोनी वीडियो के अंदर। आज किस वीडियो का गाइस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको फ्लाई करना अपना ये M3 Max ड्रोन। एंड इस ड्रोन के अंदर गाइस काफी सारे फीचर्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि एल्टीट्यूड होल्ड, विजुअल, ऑप्टिकल अवेयरनेस और गाइस हेडलेस मोड, ऑप्टिकल फ्लो पोजिशनिंग। इन चीज़ों को आपको यूज कैसे करना है, कैसे स्टेबली फ्लाई करना आपको अपना ये ड्रोन, वो सब आज किस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो और नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। और कमेंट जरूर से बताना अगर मुझसे कुछ गलती होती है वीडियो के अंदर या कुछ रह जाता है, ठीक है, या आपको कोई भी डाउट हो इस ड्रोन से रिलेटेड, ठीक है। और एक चीज़ और बता दो, इस ड्रोन में हम साथ में रिव्यू भी करेंगे क्योंकि इस ड्रोन को लिए मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोग काफ़ी सारे लोग ये पूछते हो यार कि क्या हमारी जो ड्रोन सभी तक फ्लाई कर पाएगा, वर्क कर पाएगा या फिर नहीं, तो 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो ये वाला जो ड्रोन है क्या अभी भी इतना बढ़िया फ्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, गाइस बात करते हैं अपनी। तो गाइस ये है अपना ड्रोन जिसे मैंने बॉक्स से निकाल लिया बाहर, अपना ये जो ड्रोन है इसे मैंने, जैसे कि आपको पता है 6-7 महीने मुझे आराम से हो गए, तो आज हम इसके सभी फीचर्स का यूज करके देखें क्या ये वर्क कर रहे हैं एक्चुअली में या फिर नहीं, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइस बात करते हैं अपने रिमोट के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप अपने फोन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर जितने बटन ऊपर कोई बटन नहीं मिलेंगे, सारे यहीं नीचे मिलेंगे। सबसे पहले ये दो आपको कैमरा अप एंड डाउन का और 1 की लैंड या 1 की रिटर्न बटन मिल जाएगी आपको, ठीक है, जिसे आप लोग इसी बटन को दबा करके टेक ऑफ कर सकते हो और इसी बटन से आप लोग लैंड कर सकते हो। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपको इस बटन को दबा के आप लोगों का ड्रोन का जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसी लेफ्ट वाले थ्रॉटल को ऊपर या नीचे करके ड्रोन ऊपर नीचे जाएगा और लेफ्ट राइट करके आपके जो ड्रोन का जो हेड है वो मूव करेगा कुछ ऐसे लेफ्ट या राइट, ठीक है, जिधर भी आप लोग करना चाहो। एडजस्टमेंट बटन, ठीक है, जिससे आपके ड्रोन की स्पीड कम या ज़्यादा होगा, एक बार दबाओगे दूसरा गियर, तीसरी बार दबाओगे मतलब दूसरी बार दबाओगे तीसरा गियर, ठीक है। और 360 रोटेट बटन, इसे दबा के लेफ्ट या राइट करोगे तो ड्रोन उस साइड में आपका फ्लिप करेगा। नीचे मिल जाएगी ये वाली बटन, ठीक है, इस वाली बटन जिस पे WS मतलब डायरेक्शन की दे रखा है, इसे जैसे दबाओगे ड्रोन का हेडलेस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आपको नीचे वाली ये जो बटन मिलेगी इससे आपका ड्रोन होगा फाइन ट्यून या कैलिब्रेट कह सकते हो, ठीक है, इसे दबा के आपका ड्रोन फाइन ट्यून या कैलिब्रेट हो जाएगा। और नीचे आपको पावर ऑन बटन मिलेगी, इसे क्लिक करके आपका जो ड्रोन है इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। फिर इसे आपने ऑन कर दिया, उसका एक थ्रॉटल ऊपर एक बार नीचे करोगे ड्रोन आपका पेयर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको ड्रोन पहले ऑन करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ये वाला राइट साइड वाला जॉयस्टिक, इससे आप लोग अपने ड्रोन को आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो ये सब कुछ गाइस इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको यूज करना है, फीचर्स के बारे मैंने बता दिया कौन सी बटन से क्या वर्क करता है वो सब, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा इनको यूज करना कैसे एक्चुअली में, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ड्रोन को मैं यहाँ पर रिमोट को ऑफ करता हूँ, दोबारा से ऑन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फिर ड्रोन को ऑन करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको इस वाले थ्रॉटल को, लेफ्ट वाले थ्रॉटल को एक बार ऊपर करना है, एक बार नीचे करना है और फिर दोबारा ऊपर करना है, तो देख सकते हो आप लोग अपना जो ड्रोन है वो हो चुका है रेडी टू फ्लाई। सो गाइस चलो करते हैं इसे फ्लाई एंड यूज करते हैं इसके सभी फीचर्स को और आपको बताते हैं कैसे इसे आपको फ्लाई करना है और क्या अभी भी 6-7 महीने बाद भी अभी भी बढ़िया फ्लाई कर रहा है या फिर नहीं, बढ़िया वर्क कर रहा है या फिर नहीं, और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, 4000 में ही सबसे बढ़िया ड्रोन है या फिर नहीं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। गाइस चलो बढ़ते हैं आगे एंड करते हैं इसे। तो गाइस ड्रोन को फ्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, इन दोनों थ्रॉटल को कुछ 15 डिग्री पे ऐसे नीचे करना है, इससे क्या होगा आपका जो ड्रोन है वो हो जाएगा कैलिब्रेट, ठीक है। कैलिब्रेट करने से क्या फायदा मिलेगा, आपका ड्रोन स्टेबल फ्लाई करेगा। कैलिब्रेट करने के बाद आपको सिंपल इसे टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ करने के लिए इस वाली बटन को एक बार सिंपल दबाना है। चलो करते हैं इसे फटाफट 1 क्लिक टेक ऑफ। गाइस यहाँ पे देख लो हमारा जो ड्रोन है काफी स्टेबली टेक ऑफ कर चुका है, ठीक है, बट हवा की वजह से थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख, कंट्रोल काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा हवे की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, बट ओवरऑल ड्रोन अपना सही फ्लाई कर रहा है। हम इसे लाते गाइस अपनी तरफ इसकी स्पीड इंक्रीज करके, ठीक है, अभी सेकंड गियर पे, ये लो भाई हमने थर्ड गियर पे कर दिया, अब ये विंड को भी
चीर के हमारी तरफ आ सकता है, ठीक है, आराम से। थर्ड गियर में देख सकते हो गाइस, इसे इतनी ज़्यादा विंड से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका ड्रोन ऐसे विंड से दिक्कत कर रहा है ना, थर्ड गियर पे कर रहे हैं, सिंपल इस वाली बटन को दो बार दबा। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, अब मैं इसे अपनी तरफ लेके आता हूँ, अब देख सकते हो आप लोग, ठीक है, विंड को ऐसे चीरते हुए अपनी तरफ ही आ रहा है। यहाँ पे आप लोग इसे गाइस देख सकते हो, बाकी तो काफ़ी तेज यहाँ पर विंड चल रही है। अपना ड्रोन देख सकते हो किस तरीके से लड़खड़ा रहा है, बट ऑटोमेटिक अपनी सेम पोजीशन पे आ भी रहा है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा विंड का कमाल है, ये देख सकते हो आप लोग। गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्लाई काफ़ी बढ़िया कर रहा है, देख सकते हो। एंड अपना यहाँ पर ड्रोन में इसे बिल्कुल तो पास में ले जाता हूँ, थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है विंड की वजह से, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग आराम से। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा आपको कैसे एडजस्ट करना है, यानी ऊपर नीचे कैसे करना है। आप लोग इस वाली बटन को दबा करके अपना कैमरा ऊपर या नीचे कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग देखो कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ऊपर या नीचे आप लोग आराम से कर सकते हो। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसकी वीडियो आपको अपने फ़ोन के अंदर कैसे देखनी है। पहले तो मैं ड्रोन को हम यहाँ पर लैंड करते सिंपल इस वाली बटन को दबाते, देख सकते हो आप लोग इस बटन को दबाते अपना ड्रोन जो है ऐसे सेफली लैंड कर जाएगा, ठीक है। एंड लैंड करने के बाद आपको इसकी वीडियो अब आपको कैसे देखनी है वो मैं आपको बताता हूं। गाइस जिसे आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है KYUFO, सिंपल आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर ऊपर जाना है, वाईफाई के अंदर क्लिक करना है। एंड ऐसे फ्लो करके वाईफाई दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करके जस्ट यहाँ पर ऑन कर देना है। एंड उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको जो ड्रोन की जो वीडियो है वो आपके अपने फ़ोन के अंदर ऐसे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सब कुछ ऐसे क्लियरली आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस तरफ से भी एंगल दिखाता हूँ इसका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे क्लियर आपको इसकी जो वीडियो ऐसे देखने को मिल जाएगी। रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपल इस वाली बटन को दबाना है, ठीक है, और जैसे ही दबाओगे यहाँ पर देखो कुछ ऐसे टाइमर से स्टार्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जैसे टाइमर स्टार्ट हो जाए तो समझ जाओ कि आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं इसे रखता हूँ ऐसे नीचे, एंड अपने फ़ोन को आप लोग कुछ यहाँ पे ऐसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि होल्ड कहाँ पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ऐसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो जो भी आपको आराम से आपको देखने को मिलेगा। बाकी कैमरा एडजस्ट करने के लिए ये दो बटन्स हैं जिनसे आप लोग ऊपर या नीचे कर सकते हो कैमरा, और जब आप लोग यहाँ क्लिक करोगे जो वीडियो है आपकी गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, ठीक है। वन क्लिक करके हम करते हैं टेक ऑफ, बट उससे पहले मैंने इसे अगेन कैलिब्रेट कर दिया, ठीक है, सिंपल ऐसे 15 डिग्री पे दोनों जॉयस्टिक को करके, बीप की आवाज आएगी इसमें कैलिब्रेट हो गया, उसके बाद हम करते हैं टेक ऑफ।
इसको 360 फ्लिप, ठीक है। उसके लिए आप क्या करना है, इस वाली बटन को एक बार दबाना है, ठीक है। फिर लेफ्ट राइट जिधर करोगे उधर आपका ड्रोन जैसे ठीक है इस तरीके से फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आपका जो ड्रोन है गाइस फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। एंड काफ़ी स्मूथ फ्लिप करता है ये वाला ड्रोन, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। एंड अभी भी इसका जो फ्लिप है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। बाकी गाइस हम लोग इसका ट्राई करते हैं हेडलेस मोड, जो कि ये वाला है, ठीक है। इसे जस्ट क्लिक करना है एंड अपना जो ड्रोन है वो हेडलेस मोड में चला जाएगा। वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर धूप हो रही है, ठीक है, इस वजह से। बाकी अभी हेडलेस मोड में जा चुका है, अब हम लोग देखते हैं हेडलेस मोड में। सो गाइस एक चीज़ है गाइस, हेडलेस मोड एक्चुअली में गाइस इसका वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, जो ड्रोन का फेस है वो हमारी तरफ है, ठीक है। अब देखो मैं ड्रोन को अपनी तरफ लेकर आता हूँ, सिंपल। देखो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ इससे मतलब नहीं है, ये देखो इसका हेड किस डायरेक्शन में, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ रिमोट है ना, ड्रोन ऑटोमेटिक उस तरफ आ रहा है भाई। तो गाइस एक्चुअली में हेडलेस मोड काफ़ी बढ़िया है इसका वर्क कर रहा है, ठीक है भाई साहब। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई 4000 का ड्रोन इतना बढ़िया हेडलेस मोड आपको प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे मैं इसे आगे लेके आता हूँ, ठीक है, तो ऐसे आगे जाता है तो पीछे लेके आता हूँ, आराम से ऐसे पीछे जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसका हेड जो है ना, मैं उस तरफ करता हूँ, ठीक है, ये देखो। अब उसका हेड उस डायरेक्शन में, अब कोई मतलब नहीं है। अब ड्रोन को मैं अपनी तरफ लेके आता हूँ, यहाँ पे देख सकते गाइस बहुत आराम से गाइस वर्क कर रहा है, ठीक है, हेडलेस मोड इसका। वैसे फिर ड्रोन की जो बैटरी वो खत्म होने वाली है, जैसे ख़त्म होने वाली होगी वैसे रिमोट से आपको ऐसा कुछ बीप का ही सिग्नल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे बीप बीप करने लग जाए समझो बैटरी ख़त्म होने वाली है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मिनट और फ्लाई कर सकता है। गाइस इसकी जो बैटरी वो कम्प्लीटली हो चुकी है ख़त्म। तो गाइस हमारा जो ड्रोन है देख सकते हो गाइस नीचे आ चुका है,
ड्रोन ने गाइस, ड्रोन की जो लाइफ है काफी बढ़िया है, ठीक है, 6-7 महीने से हो गए बट अभी भी काफी बढ़िया फ्लाई कर रहा है। बाकी बैटरी बैकअप आपको अभी भी 10 मिनट का दे रहा है, पहले आई थिंक 12 मिनट के आसपास का दे देता था, बाकी बैटरी बैकअप तो ठीक दे रहा है। एंड चार्ज करना तो आप लोग किसी 10 वोल्ट या 12 वोल्ट की चार्जेस करना, उससे ज़्यादा बड़े चार्जेस मत करना, और 1.5 घंटा कम से कम चार्ज कर देना, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे, ताकि बैटरी बैकअप आपको सही दें, ठीक है। और ज़्यादा 30-40 वोल्ट की चार्जेस मत चार्ज करना, ठीक है, तो इसकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहेगी। एंड उसके बाद भाई अभी तक ड्रोन अपना सही फ्लाई कर रहा है, तो आप लोग परचेस कर सकते हो। एंड 4000 रुपये में वीडियो क्वालिटी भी आपको सही देता है, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, आपको इसी वीडियो से जस्ट पहले आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल गई, कमेंट करके बताना वीडियो क्वालिटी ओवरऑल आपको कैसी लगी एंड ड्रोन आपको एक कैसा लगा होगी। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी एक लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।